सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा केसरी। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है। इसे हम बनाएंगे दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। रवा केसरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को अच्छे से गरम कर लिया है। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को घी रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून घी और इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने रखा है बिल्कुल लो पे। अब मैं इसमें डालूंगी ये ड्राई फ्रूट्स। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बादाम, 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ये काजू। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इनमें एक क्रंच आ जाए और ये गोल्डन कलर के हो जाए। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से गोल्डन कलर हो चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में अब हम डालेंगे घी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। मैंने जितनी क्वांटिटी में सूजी ली है उतनी ही क्वांटिटी में मैंने घी लिया है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। जब तक हमारी सूजी गोल्डन कलर की ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। सूजी हमारी अच्छे से भुना गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मैंने इसे टोटल 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भुन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी ली है तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप पानी। पानी को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉईल आने तक पका लेंगे। सूजी में हमारे उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं ये हल्की गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। जितना आपने सूजी लिया है उतना ही आपको इधर चीनी लेना है। और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची जिसे मैंने क्रश कर ली है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैंने सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। बिकॉज हम रवा केसरी बना रहे हैं इसलिए ये जरूरी है इसमें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी में मैंने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून दूध जिसमें मैंने 10 से 15 केसर के धागे भिगो के रख लिए थे। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें ऐड करें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। रवा केसरी बनकर हमारा तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसमें 1/2 कप चीनी, 1/2 कप सूजी और 1/2 कप ही मैंने घी लिया है। जितना हमने सूजी लिया है उसका 3 गुना हमें इसमें पानी ऐड करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।